क्लास में पढ़ाते हुए टीचर को बच्चों के सामने एक युवक द्वारा थप्पड़ मारने के बाद रोते हुए टीचर का रोता वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि घटना को लेकर पीड़ित टीचर ने तारानगर थाना में दो जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। घटना के बाद स्कूल के बच्चे टीचर के पक्ष में धरने पर बैठ गए। एक बार तो माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते स्कूल में गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और सरपंच प्रतिनिधि के मुर्दाबाद के नारे भी लगे। तारानगर थाने में सहवा निवासी सुरेंद्र सैनी ने रिपोर्ट दी कि शनिवार सुबह करीब 10:05 पर 12वीं 8 में पढ़ा रहा था, तभी महिपाल सिंह व उमेर सिंह क्लास में आए। महिपाल ने बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मारा जिससे मेरा चश्मा टूट गया। उस समय स्कूल के किसी भी स्टाफ सदस्य ने आकर बीच बचाव नहीं किया। रिपोर्ट में सुरेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी महिपाल को गिरफ्तार करने की मांग की थी। सैनी ने बताया कि वह स्कूल में 12 वर्ष 2012 से लगातार ड्यूटी कर रहा है, वही अब यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।